तो जनाब पुर्तगाल में आर्टिकल 89 में डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने का एक और फायदा ये है, तो अगर आप पुर्तगाल में 89 में अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हो तो आपको हर महीने टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बता तो देते हैं लेकिन आपको लोग अंदर की बातें नहीं बताते कि अगर आपने पुर्तगाल में 89 में अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं तो इन सारी चीजों को आपको सामना करना पड़ सकता है। मैं 3 वीक पहले फिनांस ऑफिस में गया था, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेके गया था और मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा था क्या अगर किसी इंसान के पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है क्या वो अपना काम अपनी एक्टिविटी ओपन करवा सकता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि पुर्तगाल में अगर आप आर्टिकल 89 में अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इस आर्टिकल में फायदा होता है या आर्टिकल 88 अच्छा है। मैं आपको दोनों आर्टिकल के बारे में बताने लगा हूँ, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89 के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर हम आर्टिकल 89 में अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं तो हमें हमारा कार्ड थोड़ा लेट मिलता है। तो एक एक चीज़ आपको डिस्कस करने लगा हूँ और ये भी बताने लगा हूँ कि आर्टिकल 89 में हमको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर हमने उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपने फाइल को लॉक करना है। तो एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मैसेज कर सकते हैं। और जब आप मुझे मैसेज करते हैं अपने साथ काइंडली मसला भी बताया करें, ओके, हाई हेलो के साथ साथ, जिससे मेरा टाइम सेव हो जाता है। और कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं है, मैं आपके रिप्लाई भी चेक करता हूं, आपको रिप्लाई भी देता हूं, आपके कमेंट्स भी चेक करता हूं और उनको लाइक भी करता हूं। तो आप लोग भी बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। एनीवे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल 88 के बारे में बता देता हूँ। इस आर्टिकल के बारे में सबको ही बता लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ कि आर्टिकल 88 वो है कि आप किसी के अंडर काम करते हैं, कि आप किसी रेस्टोरेंट में, मैकडोनल्ड में, किसी मिनी मरकादों में, और आपका जो बॉस वगैरह होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको देता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट लगाता है, वो आपका टैक्स पे करता है, आप भी पे करते हो टैक्स वगैरह लेकिन आपका बॉस ज़्यादा टैक्स पे करता है। मतलब कि इन शॉर्ट में आर्टिकल 88 वो है, आप किसी के अंडर काम करते हो, ठीक है। तो अभी आपको आर्टिकल 89 के बारे में बताऊंगा और ये वीडियो ठीक से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि आर्टिकल 89 बहुत इजी है, अच्छा भी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना इंसान को करना पड़ता है अपनी फाइल को लॉक करने तक। और अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आर्टिकल 89 है क्या। आर्टिकल 89 वो है कि आप अपना सेल्फ बिजनेस ओपन करते हो, मिसाल के तौर पे आप अपनी एक्टिविटी ओपन करते हो, आपको फिनांस ऑफिस में जाना होता है, आपको एक रिप्रेजेंट चाहिए होता है, मतलब कि आप अपने ही बॉस होते हो, आप अपनी एक कंपनी ओपन करते हो, आप अपना टैक्स खुद पे करते हो, आप 3 महीने बाद उसका टैक्स पे करना होता है, जिसको युवा भी आप बोल सकते हो। तो आप 3 महीने बाद इसका टैक्स कितना होता है अगर आप आर्टिकल 89 में अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हो तो ये डिपेंड्स होता है, लेकिन नॉर्मल क्या होता है 3 महीने बाद किसी का 700 बन जाता है या 800, तो हर महीने भी आप दे सकते हो लेकिन नॉर्मली 3 महीने के बाद ही होता है, मोस्टली 3 महीने बाद आपको टैक्स पे करना होता है किसी को 700। जैसा कि मेरा एक दोस्त काम कर रहा है तो उसको तकरीबन 750 तक का बन जाता है, क्योंकि वो थोड़ा पुराना भी है लेकिन उसके पास भी रेजिडेंस कार्ड नहीं है, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं। रेजिडेंस कार्ड से याद आए, ये भी मैं लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है, अगर किसी इंसान के पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है तो वो अब पुर्तगाल में अपना बिजनेस ओपन कर सकता है। मैं 3 वीक पहले फिनांस ऑफिस में गया था, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेके गया था और मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा था क्या अगर किसी इंसान के पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है क्या वो अपना काम अपनी एक्टिविटी ओपन करवा सकता है। तो ऑफकोर्स आप करवा सकते हो और ये सबसे अच्छी बात है। तो जब मैं फिनांस ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा कि भाई आपको एक्टिविटी ओपन करवाने के लिए एक रिप्रेजेंट चाहिए होता है, ठीक है, जिसको आप गारंटर बोलते हो कि वो आपकी गारंटी देता है, ठीक है, और वो वाला चाहिए जिसकी पहले से एक्टिविटी ओपन हो, उसकी कंपनी ओपन हो और वो काम कर रहा हो, वो वाला बंदा वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंट का आजकल बहुत मसला है और आपके पास घर का जुंता भी असली होना चाहिए, घर का जुंता मीन घर का एड्रेस भी असली होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। और आजकल यहाँ पे अभी मसला क्या है, बहुत ज़्यादा लोग रिप्रेजेंट ढूंढने में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आप एजेंट के थ्रू करते हैं वो तो एक मसला ही, वो तो एक मेथड ही अलग है ना, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपरेशन करता है या जो भी सिस्टम करता है, लेकिन जो ओरिजिनल और जो लीगल सिस्टम है उसमें आपको एक रिप्रेजेंट चाहिए होता है, और रिप्रेजेंट के चक्कर में इंसान आजकल बहुत जलील भी होते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे पुर्तगाल में नहीं आते हैं तो हमारा कोई जानने वाला भी नहीं होता, और जब कोई जानने वाला नहीं होता तो आजकल ना रिप्रेजेंट लोगों को बहुत लोगों पैसे भी देते हैं कि यार आप हमारी गारंटी दो। तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि लोग बता तो देते हैं लेकिन आपको लोग अंदर की बातें नहीं बताते कि अगर आपने पुर्तगाल में 89 में अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं तो इन सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो जनाब पुर्तगाल में आर्टिकल 89 में डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने का एक और फायदा ये है कि आप अपना पिज्जा, आप अपना डोनर शॉप वगैरह भी अभी ओपन कर सकते हो, मीन कि आप अपनी कोई शॉप भी मोटी छोटी डाल सकते हो, तो ये भी इसका बहुत बड़ा फायदा है।
और याद रखिएगा मैं ऐसी वीडियो नहीं बना देता, मैं पहले रिसर्च करता हूँ, तहकीक करता हूँ, अगर अपॉइंटमेंट लेनी पड़े वो भी लेता हूँ। तो यार कुछ लोग ऐसी वीडियो बना देते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती, ना वो लॉ पढ़ते हैं ना उनको कुछ समझ में आता है, बस ऐसी उनका दिल करता है वीडियो शूट करने का, वीडियो शूट कर देते हैं। तो प्लीज आप वीडियो शूट करें लेकिन रिसर्च करके करें। मैं एक एक चीज पहले पुर्तगीज में पढ़ता हूँ, फिर पुर्तगीज में भी अगर समझ नहीं आती तो उसे इंग्लिश में पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरी पुर्तगीज अच्छी है लेकिन फिर भी इतनी हाई लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी उसको फिर मैं ट्रांसलेट करके पढ़ के एक एक चीज समझ के उसके बाद ही वीडियो डालता हूँ। तो प्लीज आप भी ऐसे ही वीडियो डाला करें। और सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आप पुर्तगाल में 89 में अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हो तो आप ग्लोवो में अपनी आईडी ओपन करवा के तो जनाब फूड डिलीवरी का भी काम कर सकते हैं, और साइकिल पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे रेंट पे भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि आर्टिकल 88 में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हो, आर्टिकल 88 है अच्छा, लेकिन आजकल पुर्तगाल में जॉब का बहुत मसला है ना, वरना मैं तो प्रेफर आर्टिकल 88 ही लोगों को करूं, लेकिन आजकल लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो परेशान हो जाते हैं। और आपका सेम प्रोसेस है आर्टिकल 88, 89, रेजिडेंस कार्ड भी आपको सेम प्रोसेस में सेम टाइमिंग में मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आर्टिकल 89 के हवाले से मैं एक और चीज़ आपको वाजिया कर दूं, आपके पास वो ओरिजिनल जुंता, कोशिश करें आप अपना पुर्तगाल में ओरिजिनल जुंता बनवाएं, क्योंकि जब अगर आपने अपने फिनांस में अपनी एक्टिविटी ओपन करवानी होती है तो आपके पास एक पासवर्ड होता है, जो नए लोग हैं उनको सभी समझ शायद ना आएगी इस चीज़ की, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर देते हो तो आपका फिनांस का, जिसको आप कंट्रीब्यूटरी नंबर भी बोलते हैं, जिसको आप निफ नंबर भी बोलते हैं, उसका एक पासवर्ड होता है, ठीक है। अगर वो आपके पास पासवर्ड है तो आप घर में बैठे भी अपनी एक्टिविटी वगैरह ओपन करवा सकते हो, ठीक है। और अभी मैं ये भी क्लियर कर दूं, बहुत ज़्यादा लोग मुझसे कहते हैं अगर हम आर्टिकल 89 में अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं और अपनी एक्टिविटी ओपन करवाते हैं, और जब आप अपनी एक्टिविटी ओपन करवाते हो पुर्तगाल में तो आपको एक साल तक टैक्स माफ़ होता है। तो अभी लोग क्वेश्चन ये करते हैं, हमें टैक्स माफ़ है तो क्या होगा हमारे साथ? भाई अगर आपको टैक्स माफ़ है, आप ना दो तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या प्रेफर करता हूँ, क्योंकि पुर्तगाल में इतना टैक्स है ही नहीं है, तो यार आप पे किया करो। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 3 महीने बाद आपने टैक्स वगैरह अपना पे करना होता है, तो वो किसी का 600 बनता है, किसी का 700 बनता है, तो यार इतना टैक्स नहीं होता, ये 3 महीने का है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे तो 700-800 एक महीने का टैक्स होता है, तो यार आई थिंक आपको टैक्स पे करना चाहिए, चाहे वो माफ़ है फिर भी। और अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपने आर्टिकल 89 में अपने डॉक्यूमेंट्स पुर्तगाल में अप्लाई करने हैं, अपने फाइल लॉक करने हैं, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो जनाब आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, और पुर्तगाल में निफ नंबर एक होता है जिसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ, जिसको आप कंट्रीब्यूटरी नंबर भी बोलते हैं और फिनांस नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास सोशल नंबर होना चाहिए, जिसको आप आसान लफ्जों में टैक्स नंबर भी बोलते हो, जिसके ऊपर आपका टैक्स वगैरह जाएगा, ओके। और आपके पास जुंता होना चाहिए, जुंता घर के एड्रेस को यहाँ पे हम पुर्तगाल में बोलते हैं, और ये आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो इससे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और पासवर्ड होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास पासवर्ड फिनांस का नहीं है तो आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और आपको रिप्रेजेंट वगैरह एक चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रख के ही आर्टिकल 89 का सोचना है। तो जी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आर्टिकल 89 बहुत अच्छा है, बस स्टार्ट में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना होगी। अगर आपने वो प्रॉब्लम फेस करने के लिए आप रेडी हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप चुप करके अल्लाह का नाम लेके आर्टिकल 89 में जाएं, ठीक है। इससे आपको फायदा होगा, और आपने अपना टैक्स वगैरह मैंने एक एक चीज आपको बता दिया। अगर फिर भी अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ जो मेरे माइंड में नहीं आया, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई दे दूं, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और मैं अभी स्टुटगार्ट हूं, किल्सबर्ग, ये पार्क बहुत अच्छा है, और अभी शाम का टाइम हो गया, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, और आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय।